फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभूतिज डेली एप्रन। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने गणपति बप्पा को वेलकम किया था मोदक से, तो उनकी विदाई में भी हम मोदक ही उनको प्रेजेंट करेंगे। और आज मैं आपके लिए फिर से एक मोदक की नई रेसिपी लेके आई हूँ जो मैंने आलू से बनाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए अपने किचन में चलते हैं और हम बनाते हैं आलू से मोदक और देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या क्या चाहिए। पोटैटो मावा मोदक बनाने के लिए मैंने 3 पोटैटो को बॉईल करके रखा है। ये मेरा मिल्क पाउडर है, मिल्कमेड है, मैंगो एसेंस है एंड येलो कलर है। सबसे पहले हमें आलूओं को ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से मैंने तीनों आलूओं को ग्रेट कर लिया है। इसके बाद मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। पैन हमारा गर्म हो गया है। इसमें अभी हम 2 चम्मच के लगभग देसी घी डालेंगे। इसमें अभी हम अपना ग्रेटेड पोटैटो डालेंगे और इसे गुलाबी होने तक भूनेंगे। इस तरीके से देखिए हमें आलू को सिम पे ही भूनते जाना है जब तक आलू हमारा थोड़ा सा पिंकिश कलर में ना हो जाए। देखिए आलू थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी हो गया है, मतलब हमें आलू का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये देखिए हमारा आलू बिल्कुल भून गया है। इतना तक भूनने में कम से कम मुझे 5 से 7 मिनट लगा है। अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और फिर गैस को बंद कर देंगे। मिल्कमेड ऐड करेंगे। ये देखिए अभी मैं इसमें मिल्कमेड थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरीके से देखिए मिल्कमेड हमने डाला है और इस तरीके से ये हमारा डो रेडी हो गया है। डो हमारा बिल्कुल रेडी है। इसमें अभी हम इलायची का एसेंस डाल रहे हैं। ये देखिए अभी मैंने इसमें इलायची का 2 बूंद डाला है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसको मिक्स कर लें। ये मेरा येलो फूड कलर है, इसका भी मैंने 2 ड्रॉप डाला है इसमें ताकि थोड़ा सा कलर आए तो देखने में सुंदर लगता है। ये देखिए मेरा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। बस इसके अभी हमें मोदक गोल गोल मोदक बनाने हैं। ये मेरा मोदक का मोल्ड है, अब इसमें हम अपना डो डालेंगे। इस तरीके से मैंने एक बोल बनाया है और इसमें हम इसे डाल रहे हैं। थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे ताकि ये आगे तक जाए। ये देखिए ये हमारा छोटा छोटा प्यारा सा गणपति जी के लिए मोदक रेडी है। इस तरीके से देखिए मैंने फिर सारे मोदक को रेडी कर लिया है। बस इसे अभी हम गणपति बप्पा को भोग लगाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपका पोटैटो मावा मोदक बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही जल्दी ये बना है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।